मैं वनीला श्रीवास्तव आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ, पनीर सैंडविच की रेसिपी। देखिए कितना डिलीशियस दिख रहा है ये, बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी है। इसमें पनीर और बहुत सारी वेजीज का यूज किया है मैंने। तो चलिए मैं फटाफट से इसकी रेसिपी दिखाती हूँ आपको। तो पनीर सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम पनीर लिया हुआ है, और सबसे पहले हम इस पनीर को इस बोल में डालकर, एक बड़े बोल में डालकर हाथों से अच्छे से मैश कर लेते हैं इस तरह से सारे पनीर को। तो ये हमने पनीर को अच्छे से मैश कर लिया है इस तरह से, बिल्कुल टुकड़े नहीं है इसमें। और अब हमारा जो दूसरा स्टेप होगा उसमें हमने ये वेजीज ली हुई हैं छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर, ये पत्ता गोभी है कैबेज, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है पतला पतला और इसे धो लिया है। और पत्ता गोभी धोना मैं अपने सैलेड वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप देख लीजिए इसको कैसे धोना है। और ये गाजर लिया है मैंने, ये आधा कप है, इसको भी धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। थोड़ी सी हरी धनिया है, थोड़ा सा प्याज है, आधी प्याज है ये, एक मीडियम साइज की प्याज का। और ये आधा कप शिमला मिर्च है, इसे भी धोकर काट लिया है। तो ये सारी वेजीज जो हमने ली हैं अब हम सब इसमें ऐड कर देंगे। ये सारी सब्जियां मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और आप चाहें तो इसमें और भी अपनी मनपसंद की सब्जी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो अब हम ये सारी सब्जियों को अच्छे से इस पनीर में मिला लेंगे इस तरह से। तो ये सारी सब्जियां मैंने पनीर में मिला दी है अच्छे से। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं, जैसे कि ये नमक है, वाइट नमक, इसको डाल देते हैं। ये थोड़ा सा चाट मसाला लिया है, ये भी डाल देते हैं। थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी हरी मिर्च, ये सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें मिला देते हैं। तो इसमें मैंने सारे नमक और चाट मसाला वगैरह सब मिला दिया है, और ये थोड़ा सा मैंने लगभग आधा चम्मच है ये काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर, तो अब ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और फिर अच्छे से इसको भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो अब ये पनीर का हमारा मिश्रण जो था ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब ये मैंने चार ब्रेड ले लिए हैं, सैंडविच वाले ब्रेड हैं ये चार, वाइट ब्रेड। और ये थोड़ी सी ग्रीन चटनी ली है मैंने, सैंडविच वाली चटनी, और इसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा मैंने टमाटो केचप लिया हुआ है। तो चलिए अब हम सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। तो आप चाहें तो ये किनारे इसके निकाल सकते हैं ब्रेड के, मैंने नहीं निकाला है। अब हम इसमें सबसे पहले ऐसे ग्रीन चटनी लगा लेंगे इस तरह से। अच्छे से मैंने ग्रीन चटनी लगा दी है इस पर। देखिए अब हमारा जो दूसरा वाला ब्रेड है उसको ऐसे रख देते हैं, दूसरे वाले पे हम ये रेड चटनी लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने इस पर रेड चटनी लगा दी है और दूसरे वाले ब्रेड पर ग्रीन चटनी लगा दी है। अब हमने ये जो फिलिंग ली हुई है पनीर की, ये ब्रेड पर इस तरह से फैला देंगे। तो ये देखिए मैंने सारी फिलिंग ब्रेड के ऊपर रख दी है, और ये जो ग्रीन चटनी वाला ब्रेड है इससे हम इस तरह से इसके ऊपर रख कर और धीरे से प्रेस कर देंगे जिससे ये इस पर चिपक जाए, और फिर हम इसे एक साइड रख देंगे। और ये जो दूसरा वाला ब्रेड है हम इसको भी इसी तरह से फिल कर लेते हैं। तो सैंडविच दोनों हमारे
ये देखिए भरकर तैयार है और उसको सेकने के लिए मैंने तवा चढ़ा दिया है। आज मैं आप लोगों को तवे पे सैंडविच बनाना सिखा रही हूँ और अगर आपके पास सैंडविच मेकर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो तवा जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैंने थोड़ा सा बटर लिया हुआ है और ये बटर थोड़ा सा ऐसे लेकर ब्रेड के ऊपर ऐसे लगा देंगे, इस तरह से पूरे ब्रेड में दोनों तरफ लगा देंगे। तो मैंने सैंडविच पे नीचे की तरफ बटर लगा दिया है और फिर हम इसको ऐसे तवे पे रख देते हैं सिकने के लिए और थोड़ा सा बटर लेकर इसके ऊपर की परत में भी इस तरह से लगा देते हैं। एक तरफ से हमारी सैंडविच पक गई है, ये देखिए। तो मैंने इसको पलट दिया है और अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से इसको सेक लेते हैं। तो ये देखिए सैंडविच हमारी दोनों तरफ से सिक गई है। तो अब हम इसे हटाकर प्लेट में रख लेते हैं और ये जो हमने दूसरी सैंडविच बनाई है इसको भी सेक लेते हैं। तो ये देखिए दूसरी वाली सैंडविच भी हमारी सिक कर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम फटाफट से सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारे हेल्दी सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस दिख रहे हैं ये देखने में। तो आप इस सैंडविच को बनाकर खाइएगा ज़रूर और कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अपने एक और वीडियो के साथ।